हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरिंग आइडिया विद शिल्पा। आज फिर से मैं आप लोग के लिए वेडिंग रिचुअल की एक और रस्म लेके आई हूँ, जो है भात नोतने की। आज मैं मायापुरी मामा जी और के घर पे, जहाँ पे यहाँ पे मम्मी आई हैं भात नोतने, और हम आ चुके हैं। आज मैंने साड़ी पहनी है बहुत दिनों बाद। और ये देखिए, आने के बाद हमने नाश्ता वाश्ता करने के बाद मामी जी तैयारी कर रही हैं भात नोतने की। उसके बाद सबसे पहले चोक पूरना कहते हैं इस रस्म को। और ये देखिए, आटे से चोक पूरते हैं। भात नोतने की जो रस्म होती है, वो लड़की के मामा जी के घर भात नोतने के लिए जाया जाता है, जो कि हम आज इस वजह से आए हैं। उसके बाद शादी वाले दिन जो मामा जी और होते हैं, वो भात लेकर आते हैं। तो ये देखिए, मामी जी ने सारी तैयारियां कर दी है। उसके बाद ये देखिए, अब हो गई। ये देखिए, पानी में हल्दी वगैरह डाल रही है, चावल वगैरह धूप वगैरह से अभी हो रही है पग धुलाई, इसे बोलते हैं पग धुलाई। तो ये देखिए, ये हमारी ज्योति भाभी मम्मी की पग धुलाई कर रही हैं। पग धुलाई की ये भी एक रस्म मानी जाती है। अब इस रसम पग धुलाई के रसम के बाद अब देखिए, मामा जी को सबसे पहले मम्मी भात नोतेंगी, और सबसे पहले टीका करेंगी, तिलक करेंगी मामा मामी जी को। और जो भी भात में देते हैं, वो देंगी चोड़ा वगैरह, गोला, लड्डू और शगन का एनवेलप वगैरह। उसके बाद सबको नंबर वाइज, बड़े भैया को, उसके बाद छोटे भैया को, सबसे छोटे भैया को, सबको तिलक किया जाएगा। ये गीत वगैरह गाने की भी एक रस्म मानी जाती है, कि बन्ना बन्नी के कोई गीत गाए जाते हैं। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद सबसे बड़े भैया नवीन भैया और मोना भाभी आ गई हैं। अब इनको तिलक होगा और बाद में सब बच्चों को भी होगा। ग्रुप में फोटोज भी क्लिक करनी है। ग्रुप फोटोज भी लेंगे।
हम यहाँ पे सब आए हैं और सबने बहुत एंजॉय किया, डांस मस्ती वगैरह सब हो रहा है यहाँ पे। और भाभी ने बहुत अच्छा अच्छा खाना भी बनाया है हमारे लिए। और ये देखिए अब अनुज भैया और रेखा भाभी तिलक करवाएंगे, उनके बाद उनके बच्चे। हाँ ये दे दो दीदी, दो नहीं। ये बनाइए ना, चल रही है वीडियो सारी। ये लो मम्मी गुड़िया का। मैं ये दिखाती हूँ आपको बास्केट में क्या क्या रखते हैं बाहर जब नोतने आते हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट रखा है, पताशे रखे हैं शुभ के नाम के, और ड्राई फ्रूट गोला। और ये देखिए भात पत्रिका भी लाए हैं हम साथ में। भात पत्रिका में सब नाम वगैरह लिखा होता है मामा जी और का, कब भात नोतने आते हैं, उसकी डेट वगैरह लिखी होती है। देखिए हमने सबको पोटली दिया है, किनारी बाजार से लाई थी, और एक बॉक्स दिया है फोटो वोटली से बॉक्स चाहिए, हम बड़ा हो जाते हैं खोलने के बाद, तो वो सबको दिया है। दक्षिणा देख रहे हो, खोलते खोलते दक्षिणा मिल रही है। उसके बाद ये देखिए हमारे जो गोल्डी भी है वो भात पत्रिका पढ़ के सुनाएंगे आप लोगों को।
तो बहुत मज़ा आया उसको सुन के भी। बहुत अच्छा लगा कि पता चला कि भारत पत्रिका में क्या क्या लिखा होता है। मायापुरी के लिए श्रीमान मोहन लाल गुप्ता, श्रीमान नवीन कुमार, श्री अनिल कुमार, श्री गोविंद गुप्ता, श्री ज्ञान सिंगल, श्रीमान पांच होने थे ना, श्री कैलाश चंद, श्री सुभाष चंद आदि समस्त लघु दीर्घ जनों को योग लिखी से श्री अनिल कुमार, श्री सुनील कुमार गुप्ता और श्री सुमत अग्रवाल परिवार की तरफ से राम राम महात्मा जी। लघु दीर्घम जनों का नमस्कार स्वीकार हो, यहाँ सब कुशल पूर्वक है, आज भी होंगे। आचल कुमारी सुपत्री श्रीमान सुनील कुमार गुप्ता का विवाह संस्कार सुबह मिति अनुगुप्ता वार शुक्रवार वार शुक्रवार तारीख 4 मार्च 2022 को सुबह विवाह संस्कार निश्चित हुआ है। अतः प्रार्थना के सुबह अवसर पे सब बाल गोपाल विवाह संस्कार में शामिल हो आगे कष्ट करें और कार्य की शोभा बढ़ाई। बार तारीख 2 मार्च 2022 को बुधवार को प्रातः शाम को लिया जाएगा, भाग लिया जाएगा। दिनांक 4 मार्च 2022 को मंडप शोभा शुक्रवार को बरात आगमन लक्ष्मी नगर। बात का माल तैयार रखिएगा, बात का माल तैयार रखिएगा, ये बता इनविटेशन है, बात का माल तैयार रखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंजी दक्षिणा ग्रहण करो अपनी। आ रही है लक वगैरह होने के बाद अब हम आ गए हैं लंच के लिए। लंच में देखिए छोले, शाही पनीर और मिक्स वेज और 3 टाइप की पूरियाँ भी बनाई हुई थी और ये सैलेड भी बनाया हुआ था जो बहुत ज़्यादा यम्मी था। राइस वगैरह सब बनाए हुए थे भाभी और ने, और 3 टाइप की पूरियाँ चुकंदर की और पालक की और सिंपल जो पूरी होती है तीनों बनाई हुई थी। दैट लंच वॉज सुपर यम्मी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हुई थी भाभी और ने, बहुत ही अच्छा लंच था। और वो सब करने के बाद हम फ्री हो गए। उसके बाद अब हम जाने के टाइम पे हम नानी जी सबका तिलक कर रही हैं। ये देखिए सबसे पहले पापा तिलक कर पा रहे हैं। पांच उतर एक मिनट ढंग से फोटो भी आई, पांच उतरेगी नानी के पांच उतरेगी फोटो भी आई। और सबके तिलक वगैरह होने के बाद हमने यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह भी क्लिक करवाई, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। होपफुली आपको ये भात नोतने की वीडियो
पसंद आई होगी मेरी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं ऐसे ही आपको जो वेडिंग के रिचुअल्स हैं मैं उनकी वीडियो लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।